हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। सो दिस इज़ पार्ट थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि चेक का डिसओनर होना क्या होता है। चेक का मीनिंग हम समझ चुके हैं। चेक की पेमेंट कैसे बैंक करता है ये हमने सबसे पहले इसको हमने समझ लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि चेक डिसओनर कैसे होता है। जब एक चेक को बैंक के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो बैंकर अगर उसकी पेमेंट नहीं करता है, अगर बैंकर के थ्रू उसकी पेमेंट नहीं होती है, तो इसको हम चेक का डिसओनर कहते हैं। अ चेक इज़ सेड टू बी ओनर्ड इफ़ द बैंक्स गिव द अमाउंट टू द पे, वाइल इफ़ द बैंक रिफ्यूजेज टू पे द अमाउंट टू द पे, द चेक इज़ सेड टू बी डिसओनर्ड। इन अदर वर्ड्स, Dishonor of a check is a condition in which the bank refuses to pay the amount of check to the payee. तो ये वो सिचुएशन होती हैं जब बैंकर मना कर देता है पेमेंट को करने से, तो इसे हम Dishonor of check बोलते हैं। अब जो Dishonor of check है उसकी कौन कौन सी conditions हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि check का जो Dishonor है वो कितने तरह का हो सकता है, तो इसको basically दो part में divide किया गया है। सबसे पहला है कंपल्सरी डिसओनर, और सेकंड हो सकता है डिसओनर एट द विलिंगनेस ऑफ द बैंक। कंपल्सरी डिसओनर एंड डिसओनर एट द विलिंगनेस ऑफ द बैंक। तो पहले हम बात करते हैं कंपल्सरी डिसओनर की। तो कंपल्सरी डिसओनर में क्या होगा, जब बैंकर के पास चेक को डिसओनर करने के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन होती हैं कि उनको चेक को डिसओनर करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में बैंकर चेक को डिसओनर कर देता है और पेई को पेमेंट करने से मना कर देता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे अगर कोई गार्निशी ऑर्डर मिला है बैंक को, या जो कस्टमर था, जो ड्रोअर था, उसकी डेथ हो चुकी है, या जो ड्रोअर था वो पागल हो चुका है, या हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, या अगर होल्डर ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि चेक गुम हो चुका है, या अगर चेक के ऊपर कोई जाली साइन है, कोई फर्जी साइन है, मतलब साइन जो है वो फोर्स्ड है, तो उस केस में भी बैंक चेक को डिसओनर कर देता है। सेकंड आता है डिसओनर एट द विलिंगनेस ऑफ द बैंक। तो एक बैंकर खुद भी चेक को डिसओनर कर सकता है, तो वो कैसे होगा, अगर चेक को एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा गया है, या जो क्रॉस्ड है वो प्रॉपर वे से नहीं हुआ है, या एंडोर्समेंट सही तरीके से नहीं हुई है, जब कस्टमर्स के अकाउंट्स के अंदर जो सफिशिएंट फंड है वो अवेलेबल नहीं है, और जब होल्डर के जो राइट है उसके ऊपर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल है, कि जिसने चेक को प्रेजेंट किया है अगर लगता है कि उस पर हमें कुछ शक हो रहा है बैंकर को, तो वो पेमेंट नहीं करता है। अगर चेक पोस्ट डेटेड हो चुका है और चेक को अगर प्रॉपर टाइम पर प्रेजेंट नहीं किया गया है, बैंक के वर्किंग आवर्स के दौरान अगर चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उस केस में भी चेक को बैंक डिसओनर कर सकता है। अगर चेक बहुत पुराना हो चुका है, या चेक के ऊपर जो साइन है वो एक्चुअल साइन से मैच नहीं करते हैं, तो उस केस में बैंक चेक को डिसओनर कर सकता है। तो इस तरह से चेक के डिसओनर करने की दो कंडीशंस हो सकती हैं, कंपल्सरी डिसओनर एंड डिसओनर एट द विलिंगनेस ऑफ द बैंक। कंपल्सरी में तो बैंक के पास लास्ट ऑप्शन ही यही होती है, बैंक जो चेक को डिसओनर करता है, और विलिंगनेस में क्या होगा, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसी होती हैं कि बैंकर को चेक को डिसओनर करना पड़ता है। नेक्स्ट एक टर्म यूज़ होती हैं, मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम। मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम कि जिसके अंदर चेक के साथ जो डील किया जाता है वो एक मैकेनिकल फॉर्म में होता है। इसके अंदर एक मैकेनिकल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो पूरी की पूरी चेक प्रोसीजर में होती है, और इसके अंदर इस टेक्निक को MICR बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जो मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम है तो इसके अंदर MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, क्यों किया जाता है ऐसा, टू फैसिलिटेट क्विक प्रोसेसिंग ऑफ चेक एंड प्रॉम्प्ट सेटलमेंट देयर ऑफ। मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम यूजिंग मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर चेक क्लियरिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 80s
एंड हैज़ बीन ऑपरेशन एट द फोर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कि चार मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा किया गया था, लेकिन अब ये काफ़ी उस पर एक्सटेंड हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका यूज़ होता है, अदरवाइज इसका जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर होता है। तो MICR बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो चेक की जब हम करते हैं उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो एक मैग्नेटिक इंक से होती है। चेक के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो मैग्नेटिक इंक से होती है, और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ा जा सकता है, ओनली कंप्यूटर कैन रीड इट। तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको तो चेक के ऊपर उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये एक स्पेशल एक बैंड होता है, एक स्पेशल एरिया होता है जिसके ऊपर MICR कोड को मेंशन किया जाता है, जिसको हम MICR बैंड भी बोलते हैं। और ये जो बैंड होता है ये चेक के नीचे बॉटम लाइन पर होता है। MICR के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? MICR टेक्निक का जो यूज़ होता है वो चेक को जल्दी से, मतलब जल्दी से और उसको क्लियर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो कस्टमर्स के अकाउंट में जो फंड होता है उसको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग यूजिंग MICR टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रोट इन इट्स वे क्विकर रियलाइजेशन ऑफ चेक, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज एंड मोर इफेक्टिव हाउस कीपिंग एट बैंक्स। तो बहुत जल्दी से चेक की सेटलमेंट हो जाती हैं। तो ये MICR का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो RBI ने एक जो एक्सपर्ट है उनकी एक कमेटी बनाई जिन्होंने इंडिया के अंदर MICR टेक्निक का यूज़ करने पर आपस में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्कशन किया, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन से RBI ने 1987-88 के दौरान चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में इसको स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर दिया गया अहमदाबाद, बेंगलोर एंड हैदराबाद में। तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो MICR जो टेक्निक है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी यूज़ होती जा रही हैं। इसके बाद आता है कि MICR की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। MICR की अगर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसका मेन रीज़न क्या, मेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो चेक या ड्राफ्ट इसका जो साइज़ होना चाहिए, दैट शुड बी एज़ पर स्टैंडर्ड। चेक की प्रिंटिंग और क्वालिटी के लिए उसका स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी होता है। चेक के बॉटम लाइन पर जो MICR बैंड को हमें रखना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना ज़रूरी है। अब चेक को रीड करना है, उसके टाइप को उसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए कंप्यूटराइज्ड जो सोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे पास होने ज़रूरी हैं। MICR बैंड में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिकली ये 9 डिजिट का एक नंबर होता है। इसमें जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं वो चेक या ड्राफ्ट का नंबर होता है, नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स होते हैं वो सिटी कोड को बताते हैं, और बैंक कोड के पीछे सिटी कोड और ये जो तीनों के तीनों जो डिजिट होते हैं वो उनको वो दिखाते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर अलग अलग कोड होते हैं, 9 कोड का बेसिकली MICR होता है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर MICR चेक को प्रिंट किया जा रहा है तो वो जो स्टैंडर्ड है क्लियरिंग बैंक स्पेसिफिकेशन और क्लियरिंग बैंक स्टैंडर्ड 1 को फॉलो करता हो, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो तो उसके हम एक मतलब वो बना सकते हैं, उस चेक को हम प्रिंट कर सकते हैं। देखो आपको इस इमेज के अंदर नज़र आ रहा होगा जो MICR कोड होता है वो ऐसे बीच में होता है, ये 9 डिजिट का कोड होता है। सबसे पहले ये जो नंबर है ये चेक का नंबर होगा, ये MICR कोड होता है जो चेक के ऊपर प्रिंट होता है। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है चेक के लिए, दैट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। इसके बाद सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सिक्योरिटी मेजरमेंट इंक्रीज़ हो चुकी है आज के टाइम में, तो कुछ जब हम MICR चेक की बात करते हैं तो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स की कुछ फीचर्स हमें इसके अंदर ऐड करनी होती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। वाटर मार्क, बैंक का जो वाटर मार्क है वो MICR चेक के ऊपर शो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैंक को
माइक्रोप्रिंट, माइक्रोप्रिंट आर यूज्ड एज इंक्रीज्ड सिक्योरिटी मेजर। तो चेक के ऊपर बहुत स्मॉलर से माइक्रो प्रिंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे चेक की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक इंक, जब फॉर्जरी वगैरह को अवॉइड करने के लिए मैग्नेटिक इंक का यूज़ होता है। इनविजिबल यूवी फ्लोरसेंट, इनविजिबल यूवी फ्लोरसेंट को यूज़ किया जाता है कि अगर कोई स्टेप मतलब कुछ धोखाधड़ी होने का जो चांस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, तो फ्लोरसेंट जो होते हैं वो इनविजिबल नज़र नहीं आते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, ऐसे कुछ कोड होते हैं। केमिकल सेंसिटिविटी, कुछ केमिकल सेंसिटिविटी होती है जिससे कि फ्रोगरी को फॉर्जरी को प्रोटेक्ट उसको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ MICR टेक्नोलॉजी। जब MICR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है चेक के अंदर, तो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं? तो इस इन प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहले आता है क्रॉसिंग ऑफ चेक शुड बी ऑन राइट हैंड साइड, कि जब हम चेक को क्रॉस करते हैं अगर वो क्रॉस चेक है तो वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होना ज़रूरी है। चेक श्रिंक्ड नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। नो साइन शुड बी प्लेस्ड ऑन MICR बैंड, चेक के ऊपर जो MICR बैंड है तो उसके ऊपर किसी के भी साइन नहीं होने चाहिए। और लास्ट में है नो पिन और स्टेबल शुड बी यूज्ड ऑन MICR, MICR के ऊपर किसी भी तरह की पिन का यूज़ नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के जो स्टेपल वगैरह का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब एक चेक का यूज़ किया जाता है जो MICR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ MICR टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जो MICR इंफॉर्मेशन है इसको रीड करना बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल होता है, कि हमें पता चल जाता है कि चेक वैलिड है या नहीं है, मतलब जो चेक लिखा गया है वो सही है या नहीं है। MICR की जो प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है अगर हम एक नॉर्मल चेक की बात करें। अगर हम OCR टेक्नोलॉजी से इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एज कम्पेयर टू OCR टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिक्योरिटी होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो करेक्टर प्रिंट हो जाते हैं एक बार तो उनको ऑल्टर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अंदर किसी भी तरह का मैनुअल इनपुट नहीं होता, इसीलिए एरर के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। करेक्टर्स को हम पढ़ सकते हैं चाहे किसी पर्सन ने उसके ऊपर लिख क्यों ना दिया हो, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल इंक यूज़ होती है जिसके अंदर आयरन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हम इन करेक्टर को पढ़ पाते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने का जो चांस होता है वो नहीं होता है। और इस डॉक्यूमेंट को फोर्स करना, इस डॉक्यूमेंट के साथ जालसाजी करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो MICR टेक्नोलॉजी से हमें मिल सकते हैं। सो आज के इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि MICR टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, चेक का डिसऑनर कैसे होता है, और MICR टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं जब एक चेक के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।